आज कोई हिंडोली तहसील में एक कार्यक्रम है सामाजिक, जिसमें जाना हो रहा है और मैं टोंक जिले में पहली बार यहाँ ये जो नया दायित्व मुझे मिला है उसके बाद आया हूँ। हमारी जो सरकार है उसमें राजस्थान में जो जिस तरह से पिछले 5 साल में पूरे प्रदेश में चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला अत्याचार हो या किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो, युवाओं के साथ जिस तरह से पेपर लीक करके इन्होंने पेपर गिरोह बना करके और उनका भविष्य अंधकार में किया है, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार इन व्यवस्थाओं को ठीक करेगी और एक संवेदनशील सरकार हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी लोगों में एक विश्वास जागृत हो और जितने भी इस तरह के लोग हैं उनमें डर पैदा हो कि वो किसी भी तरह का कोई ऐसा अपराध नहीं करें। इसलिए अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास हमारी सरकार पैदा करेगी और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पेपर लीक माफिया हो या फिर भ्रष्टाचार करने वाले, इन पर लगाम हम कसेंगे। ये सब शीघ्र ही जेल की सलाखों के अंदर होंगे और हमारी सरकार ने ये प्रारंभ कर दिया है। जितने भी बदमाश, जितने भी इस तरह के लोग थे उनकी धरपकड़ चालू हो चुकी है। अगर कोई बलात्कारी है, कोई इस तरह के काम करता है तो उनकी संपत्तियां तोड़ना, उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करना, ये सब हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए जनता में विश्वास पैदा करके हम कानून को निश्चित रूप से कानून के शासन चलाने के लिए ये सरकार हमारी पूरा प्रयास करेगी। राजस्थान को जिस तरह से इन्होंने महिला अत्याचार में एक नंबर पर लाकर रखा था उस दाग को हम धो करके और एक सुशासन देने का काम राजस्थान में हमारी सरकार करेगी। देखिए, फिलहाल अभी आपको विभाग नहीं मिला है, किस विभाग को आप चाहते हैं कि वो आपको मिले तो काम ज़्यादा बेहतर हो सके, आप लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतर सकें? देखिए मुख्यमंत्री जी, जिस भी विभाग के लिए मुझे उचित समझेंगे, इस 8 करोड़ की जनसंख्या का हमारा प्रदेश है, हम लगभग 20-22 लोगों को इसमें चुना है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मंत्री पद मिलना और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। जिस विश्वास के साथ मुझे ये पद दिया है, मैं उस विश्वास को कभी मेरे नेतृत्व को नीचा नहीं देखना पड़े, हम इस तरह से करेंगे और जो जिस काम के लिए, जिस विभाग के लिए मुझे मुख्यमंत्री जी उचित समझेंगे, हम उस काम को, इस विभाग को सुचारू रूप से चला करके और निश्चित रूप से राजस्थान को परम वैभव ले जाने का काम हम करेंगे। ये पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, वो कहती थी कि पेपर लीक को कैद करके उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ की है, कानून बनाए हैं, लेकिन क्या लगता है कि वो सही था उनका जो काम करना था या कहीं गड़बड़? हम पेपर लीक के मामले में इसके जो भी जहाँ भी इसकी स्रोत्र हैं वहाँ तक पहुँचेंगे और इसमें ये सब लिप्त थे। अगर इसमें लिप्तता और अधिक स्तर तक भी थी, मंत्री स्तर तक थी या और भी ज़्यादा स्तर तक थी, वहाँ तक भी इसकी निश्चित रूप से जांच पड़ताल होगी और इस पर स्थायी रोक लगेगी इस तरह के कामों के लिए। अब दोबारा पेपर लीक मैं नहीं समझता किसी की हिम्मत हो जाएगी राजस्थान में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कलेक्टर और SP जिम्मेदार होंगे यदि कहीं पेपर लीक होता है, इसको कैसे देख रहे हैं प्रशासन? प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी डाली गई है और उनको निश्चित रूप से इसके लिए उत्तरदायी बनाएंगे और उत्तरदायी बनाया है। उनका जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा ढंग से हो और कहीं भी कोई पेपर लीक लिफाफे को कोई नहीं खोल पाए, ऐसी कठोर उस पर हम निगरानी भी रखेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो वही उत्तरदायित्व है तो उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। देखिए, आपको आपके मंत्रिमंडल के अंदर सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली है, आपको धाकड़ समाज से मंत्री बनाया गया लेकिन मध्य प्रदेश से जो शिवराज चौहान जी थे उनको हटाया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वहाँ एक OBC के मुख्यमंत्री थे, दोबारा OBC से ही मुख्यमंत्री भी बनाया है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और जहाँ जो भी परिवर्तन होना होता है, लंबा समय हो गया उनको, उनका कहीं अच्छी जगह उपयोग करेंगे और कोई नया व्यक्ति आता है तो उनका भी कहीं लाभ मिलना चाहिए पार्टी को। तो इस तरह से ये तो सब जगह चल रहा है। हमारे यहाँ भी एक प्रथम बार जिस कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को पूरे प्रदेश कार्यालय में 20-25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको सीधा ही मुख्यमंत्री प्रथम बार ही विधायक बनने पर बनाया है, तो एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं में संदेश है। आम कार्यकर्ता इससे अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं लंबे समय से संगठन का काम कर रहा हूँ और वो समझता है कि मेरा कब क्या होगा, तो उस कार्यकर्ता को भी ये लगने लगा है कि कभी भी मुझे भी इस तरह के काम करते करते सीधी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या लग रहा है? पत्ते काटे गए सबके
कोई किसी के पत्ते नहीं कटते। देखो ये नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, स्थायी रूप से कोई पद नहीं होता है। पार्टी में परिवर्तन, एक पीढ़ी का परिवर्तन होता रहना चाहिए, नए लोगों को भी मौका मिले और पुरानों का भी उपयोग होते रहना चाहिए। क्या लग रहा है 2024 को लेकर किस तरह से बीजेपी राजस्थान में तैयारियां कर रही है? 2024 को लेकर तैयारियां हमने शुरू कर दी है, बूथ स्तर पर हमारी तैयारियां चालू है, वहां हम सर्वे करवा रहे हैं। एक एक बूथ पर हम जहां भी हमारा मतदाता छूट गया है, नव मतदाता को जोड़ने का काम हमारी पार्टी ने संगठन स्तर पर शुरू कर दिया है और हम आने वाले 2024 में 25 की 25 सीटें जीत करके और फिर वापस पुराना पिछली बार का इतिहास दोहराएंगे। आधी आबादी के अंदर से एकमात्र महिला मंत्री को बनाया जाना? नहीं, दो महिला मंत्री बनाई है, एक महिला मंत्री नहीं बनेगी। आधी आबादी की बात करते, 50 आधी आबादी और भी आगे अभी अवसर हैं, वो भी अवसर दिए जाएंगे और दो एक एक ही महिला को उपमुख्यमंत्री भी बनाया है तो वो भी चर्चा का विषय करना चाहिए। जातिगत जनगणना करवाई? देखिए, जातिगत जनगणना का कोई विषय नहीं है, ये तो कांग्रेस अपने आप को, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इसको उठाती रहती है। जहाँ भी जो ज़रूरी होगा केंद्र सरकार जो उचित समझेगी वो काम करेगी। अब जिनके पास कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि हम ऐसा करेंगे और उन वो बात करते हैं तो वो उनका विषय ही नहीं है, वो तो कहाँ करेंगे, जब उनका सरकार आएगी नहीं तो काहे की जनगणना होगी। चुनाव परिणाम से पहले जो है, मतदान से पहले सुरेंद्र सिंह टीटी को जो है मंत्री बनाना कितना सार्थक है? सही कदम है। सुरेंद्र सिंह जी टीटी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं और चुनाव से पहले कई लोग बनते हैं, बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनते हैं। आप मंत्री की बात कर रहे हैं, वो तो चुनाव भी लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं।